आज मैं आप सब से थोड़ा सा समय चुरा कर अपने परिवार के साथ बचपन वाला लुक्का छिपी खेलना चाहती हूँ। इंतजार अक्सर बहुत लंबा लगता है, हो ना हो लंबा ही लगता है, तभी हमें शायद धैर्य का पाठ पढ़ाया जाता है बचपन से, क्योंकि लाइफ में हमें हर दिन किसी न किसी बात का इंतजार होता है। बड़े बात के लिए इंतजार ना सही तो छोटी बात का इंतजार, कभी रिजल्ट का इंतजार हो या कभी बाथरूम खाली होने का इंतजार। भैया इंसान को प्रेशर तो दोनों ही हालत में होता है। मैं आज ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इंतजार कर रही हूँ और इंतजार का प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए समय काट रही हूँ कुछ काम धाम करके और आप लोगों से बातचीत करके। लो जी, जिस समय का इंतजार था वो समय आ गया, आ गए वो जिनका मुझे इंतजार था बेसब्री से बहुत दिनों से। और सच कहूं उनके आते ही ऐसा लगने लगा है कि समय भागा जा रहा है। सच्ची में ऐसा लग रहा है कि समय रुक क्यों नहीं रहा। अजीब टाइम मशीन है ना ये मन, कभी कहीं पहुंचा देता है तो कभी कहीं। आज बहनों के साथ पुराने दिन वाली फीलिंग आ रही है। वैसे तो मैं बड़ी हूं और काफी समझदार भी, पर बहनों में सबसे छोटी हूँ। बड़ी बहनों का साथ होते ही पता नहीं कैसे छोटी और नासमझ बन जाती हूँ, और सच कहूँ तो मैं ये बहुत एंजॉय भी करती हूँ। आप सबसे थोड़ा सा समय चुरा कर अपने परिवार के साथ बचपन वाला लुक्का छिपी खेलना चाहती हूँ। आई स्पाइस धप्पा। हाँ, आज बहुत मन कर रहा है कि परिवार के साथ खूब सारा वक्त बिताऊं, इसीलिए आप लोगों के साथ थोड़ा कम वक्त बिता रहे हूँ, पर हम भी खेलेंगे एक दिन आई स्पाइस और धप्पा। लेकिन पहले आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने खेला है ये बचपन में आइस पल्स और धप्पा। हम अगले दिन मिलते हैं, आज पहला दिन है ना, बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारी मस्ती भी, तो आज आप लोगों से इजाजत लूंगी, कल मिलते हैं। राम राम, जय भारत, लव यू एंड हैप्पी बर्थडे टू यू।